वेलकम बैक टू फाटन फैमिली ब्लॉग्स गाइस, कैसे आप सब लोग, बताइएगा ज़रूर। एंड अभी जो है सुबह का टाइम है, सुबह नहीं सॉरी दोपहर ही हो रही है, और तो दोपहर ही हो रही है अभी, और लड्डू भी नहीं है। आज मैं काफ़ी लेट उठी, पता नहीं क्या हुआ, रात जो है सोने में मैं शायद 2:30-3 बज गए थे, तो इसलिए मैं लेट उठी, और लेट भी इतना होती कि बस पूछे मत आप। मेरी एक बार तो आँख खुली थी 7 बजे करीब, फिर मैंने टाइम देखा और मैं फिर सो गई कि अभी उठ के क्या करूँ, तो फिर मेरी आँख खुली है 11:30 बजे, तो मैं 11:30 बजे उठी हूँ आज। और अब जो है मैंने सारा काम कर लिया है, नहा कर बैठी हूँ बस, अभी नहा लिया है, सर धोया आज मैंने, तो और क्या किया मैंने, झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, सारा कुछ साफ किया है झाड़ के, और आटा कर दिया है, चाय बना दी है, लड्डू आने लग रहे हैं। एक्चुअली वो रात में नहीं आ पाए, तो रात में मैं ही थी घर पे अकेली, वो रात को नहीं आए, फिर अब आने लग रहे हैं वो, मतलब लगभग 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि भूख लग रही है, नाश्ता वगैरह कुछ बना ले, तो जब वो आएंगे तो तब बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि अपने लिए पहले क्या बनाऊँ, गर्म पानी पिया है मैंने अभी, और बस अब बैठी हूँ, टीवी ऑन किया है, टीवी देखूँगी, न्यूज़ पे लगाऊंगी, पहले न्यूज़ देख लेती हूँ क्योंकि हालात आप लोगों को पता है कैसे चल रहे हैं, तो न्यूज़ देखूँगी क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, से हो तो बहुत बुरा ही रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे जब लड्डू आ जाएंगे। सो गाइस, अभी जो है इवनिंग का टाइम है, 4:30-5 के करीब हो गया, 5:15 हो गया, और लड्डू जो है आ गए थे वो 1:30 बजे के करीब आए थे, और फिर जो है वो लेके आए थे छोले भटूरे, तो हम दोनों ने वो ही खाए। फिर मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया, तो अभी वो सो रहे हैं, अभी थोड़ी बहुत देर में देखती हूँ 5:30-6 बजे के करीब, मुझे भी नींद आ गई, उन्हें उठाऊँगी और फिर क्योंकि उन्हें जाना है काम से, इसलिए अभी नहीं सोचती हूँ। तो 2:15 के करीब वो सोए थे, और कल सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं वो, और फिर पूरा दिन नहीं सोए, पूरी रात नहीं सोए, तो नींद आ रही है उन्हें, तो इस वजह से वो सो गए थे अंदर रूम में। वो मैं बैठक में बैठी हूँ, इधर टीवी चल रहा है, मैंने गेट भी बंद किया हुआ है, गेट इसलिए क्योंकि टीवी की आवाज़ अंदर जाती है, फिर उन्हें डिस्टर्ब होगा इस वजह से, तो टीवी मैंने अभी चलाया क्योंकि मेरा एक सीरियल आता है वो देख रही हूँ मैं। बस यही है, अब उठेंगे तो देखती हूँ, मिल पाऊँगी आपसे, क्योंकि ऐसा है ना, फिर उन्हें थोड़ा काम से जाना है बाहर, और फिर पता नहीं मैं शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी क्योंकि उनके उठते ही फिर मुझे काम हो जाएगा, और शाम को वैसे भी सब्ज़ी वगैरह बनानी है, खाना वगैरह देखना है, फिर चाय बना के उन्हें उठाऊँगी, चाय इनके देखूँगी सब्ज़ी क्या बनाऊँगी। कल मार्केट गए थे तो सब्ज़ी मंडी भी चले गए थे, वहाँ से कितनी सारी सब्ज़ी लेके आई थी मैं, जैसे कि बैंगन हो गए, पपीता हो गया, गाजर लेके आई, गोभी, ये सब्ज़ी लाई थी मैं, टमाटर प्याज, तो अभी सबसे तो है मेरे पास काफ़ी, पर सोच रही हूँ कि बनाऊँ क्या, कंफ्यूजन वहाँ पर हो रहा है। तो बस अभी के लिए इतना ही, और मैं सीरियल देख लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो अभी जो है मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नींद आने लगी है, मैं बोर इसलिए हो रही हूँ क्योंकि लड्डू के बिना मैं मन नहीं लगता है, जब वो घर में हो रहे हो सो रहे हो तो बोर हो रहा है मुझे, बट इट्स ओके, ही इज टायर्ड,
तो सॉरी गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी जो है मैं बना रही हूँ सब्जी, सब्जी छौंक रही हूँ मतलब। तो यहाँ पे जो है छौंक पकने लग रहा है, आप देखिए। और इधर आलू और बैंगन काट रखे हैं मैंने, बैंगन का मैंने छिलका उतार लिया है, ऐसे बनाऊंगी। इसको चला रही हूँ बस, बैंगन की सब्जी और रोटी बनेगी बस, बना लेते हैं जल्दी जल्दी से खाना। तो आज का खाना रह गई है बैंगन की सब्जी और रोटी और दही रायता वगैरह। सिंपल तरीके से छौंक रही हूँ बिल्कुल। ये मैंने इसमें डाला है सरसों के तेल में, छौंकती हूँ आपको, आपको पता है ना सब्जी, सब्जी क्या हमारे घर में यूज़ सरसों का तेल होता है। तो सरसों का तेल डाला है, उसमें जीरा डाला है, फिर प्याज, फिर टमाटर, हल्दी और मिर्च, लाल मिर्च बस। और थोड़े छोले भटूरे लाए थे ना मैं उनके साथ, ये आए थे गाजर और हरी मिर्च का अचार, और भी बहुत ही अच्छा तो ये रख लिया, शाम को खाने के साथ भी खाऊंगी, मुझे तो अच्छा लगा बहुत। और मिर्ची भी तीखे वाली है तो मज़ा आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, शेयर करिएगा मेरे साथ भी। चलिए कल मिलती हूँ आप सच में ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड टेक केयर, बाय, गुड नाइट।